IPL भी पोस्ट पड़ चुका है और इस वक्त ना सबके सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका लेकर के आऊँ जिससे आप घर बैठे अपने घर में बहुत सारा पैसा कमा सकते हो सिर्फ और सिर्फ गेम खेलकर। तो गाइस लिंक आपको फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा जहाँ पर उस लिंक पे क्लिक करके आप जा करके उसमें काफी सारे गेम्स खेल सकते हो और गाइस काफी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो अपने घरों में बैठे बैठे। 1x पे मेरे काफी सारे फ्रेंड भी है जो कि इसमें गेम खेलकर काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और हाँ इसमें 1x गेम करके एक पूल सेक्शन भी है। तो गाइस वेट क्या कर रहे हो, पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगा वहां से आप जा करके गेम को खेल सकते हो। मेरा प्रोमो कोड जरूर से यूज करना, फर्स्ट डिपोजिट पे आपको $100 मिलेगा। और हाँ गाइस जो भी आप पैसे जीतोगे उसे आप पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में आप आराम से विड्रॉ भी कर सकते हो। यो व्हाट्सअप गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और गाइस अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा तो आप सभी को पता होगा लास्ट टाइम ना गाइस एल रूबियो ने डगन बॉस को मारने के लिए बहुत खतरनाक सा प्लान बना रखा था और वो ना सीधा लॉस सैंटोस आ गया था बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और तगड़ी मतलब गाड़ियों के साथ जिसमें ना वेपन लगी हुई थी। और गाइस आपको पता होगा डगन बॉस का ना बर्थडे पार्टी था मतलब यार रात के वही 12 बजे के आसपास। तो गाइस एल रूबियो का प्लान था कि ना डगन बॉस के बर्थडे के दिन उसको ना खत्म कर दिया जाए। और गाइस लास्ट टाइम ना अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सीधा उस टावर के ऊपर हम लोग सबके सब चल गए थे, लेकिन जब हमारा लड़ाई हुआ ना भाई बहुत खतरनाक वाला RPG चलने लगा। डगन बॉस को हम लोग तो मार नहीं सके क्योंकि उसके पास ना ब्लड प्रूफ ग्लास था भाई साहब, उसको मेरे मतलब माइकल ने मारा था भाई बहुत खतरनाक वाला, लेकिन उसको भाई पड़ा ही नहीं क्योंकि यार बुलेट प्रूफ ग्लास के बगल में मतलब उसके पीछे खड़ा था। और गाइस लास्ट टाइम डगन बॉस बच गया, बल्कि एल रूबियो को भाई उसने किडनैप भी कर लिया था। लेकिन गाइजर अभी आप जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो अभी ना गाइजर बिग माफे का प्लान था कि इस वाले बिल्डिंग पे ना पूरे बॉम्बिंग वॉम्बिंग करने का। और भाई साहब अभी आप देख सकते हो क्या ही जबरदस्त आग लग चुकी है बिल्डिंग पर। और गाइजर एक सेकेंड भाई साहब ये लोग तो भाई यहाँ से कब के निकल चुके हैं तेरी ऐसी की तैसी, मुझे लगा भाई साहब बिल्डिंग पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये लोग भी साथ ही नीचे गिर कर मर जाएंगे सब के सब। लेकिन गाइजर शायद ना डगन बॉस को ना पता होता यहाँ पे माइकल कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा। भाई साहब ये लोग ना वहाँ से निकल भी चुके हैं इसकी ऐसी की तैसी, भाई यार एल रूबियो को भी किडनैप कर लिया। अब गाजर हम तो बहुत बुरे वाले फंस चुके हैं यार, अपना यार मन तो कर रहा है यार बिग माफिया को ना कूटने का, खैर क्या ही कर सकते हैं। तो गाजर अभी ना बिग माफिया बोल रहा है कि हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है और गाजर अभी ना डगन बॉस से हमें लगता नहीं कोई बचा सकता है इसकी ऐसी की तैसी। भाई साहब टेररिस्ट मतलब इनको ना भाई पता था कि हम लोग ना यहाँ पर भाई बहुत तबाही वाली प्लानिंग करके अटैक करने के आए थे। भाई साहब देख सकते हो ये लोग ना पता नहीं अपना लोकेशन जा सकना गाइस, बिल्डिंग से इन लोगों ने देख लिया था हमें। और गाइस हेलीकॉप्टर सीधा इधर आ, एक सेकंड आ जाते हैं कैसी की तैसी सबकी ना मुंह तोड़ दूंगा बेटे नीचे जा तुम क्या। भाई साहब पता नहीं कब के कब ये लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ आ चुके हैं, फिलहाल कोई दिक्कत की बात ऊपर चढ़ने में फिर भी ऐसी की तैसी हेडशॉट मारता हूँ सबको। एक सेकंड ये गया फिलहाल यहाँ पे पता था क्या, ये भी बाकी अपने साथ और भी बंदे हैं बिग माफिया को भाई ये दे भाई क्या ही जुड़न बंदा अपने को एम करने के चक्कर भाई दोनों के दोनों नीचे मतलब सुसाइड कर लिया। भाई साहब यार मैं मारता जा रही हूँ अच्छे तरीके से खुद ही मर रहे भाई ये लोग तो, चलो कोई ना यहाँ पे मेरे मार दे भाई यार ये बंदा भी ना खुद दे, चलो भाई सर यहाँ पे ना बच के रहना पड़ेगा फिलहाल का जरा मेरा आगे की तरफ चलना पड़ेगा। और भाई संभाल के ये ले भाई बिग माफिया कसम से यार क्या ही बोलूँ चूरा दे भाई ये बंदा तो ओके के साथ ना उसका पैर वैर गया भाई ओके आराम से भाई कुछ नहीं हुआ बिग माफिया को। चलो भाई जरा यहाँ पे ये बंदा भी बच गया भाई यार सीधा मतलब इतना भाई हड़बड़ी में भाई सीधा नीचे चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे भाई और भी बंदे तुम्हारी ऐसी की तैसी। इधर ना गाइस मुझे हेलीकॉप्टर का साउंड आ रहा है मतलब ना अभी भी यहाँ पे चारों तरफ ना बंदे अपना पीछा कर रहे हैं। भाई साहब डगन बॉस यहाँ से निकल चुका है और भाई साहब वो ना एल रूबियो को पता नहीं कहाँ लेकर के गया है, लेकिन इस वक्त गाइस मुझे ना कुछ करना पड़ेगा डगन बॉस को कैसे खत्म करें अब तो भाई बहुत मुश्किल काम है। फिलहाल गाइस इनका ना बैंड बजाते रुक बेटे तेरे को ना स्नाइपर से बजाता हूँ तेरी ऐसी के तैसे, रुको 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 जरा सबर करो। ये ले बेटा पट से गया एक कि यहाँ पे ना गाइस एक दो और बंदे फायर करने का, तो भाई साहब क्या कर दिया मैंने यार इतना ऊंचाई से कूद दिया भाई साहब पागल भी हो रहा हूँ मैं क्या ही कर सकता हूँ। ओके कोई बात नहीं अभी ना गाइस यहाँ से मैं फटाफट से निकलना पड़ेगा फिलहाल एक दो बंदे ओके मुझे पता ही था इधर से फायरिंग मारा तेरी ऐसी के तैसी निकल यहाँ से। ओके चलो यहाँ पे ये तो गया फिलहाल गाइस मुझे ना और भी बंदे नजर आ रहे हैं। ओके एक बंदा और है ओके ये ले बेटा पट से खाएगा तुमको भाई साहब यार क्या ही चूरन बंदे। तो चलो गाइस यहाँ से हम लोग फटाफट से निकलते हैं भाई तुम लोग ना फटाफट से बैठो आगे को बनना भाई इधर ना और भी ज्यादा डगन बॉस के गार्ड्स आ सकते हैं और भाई यहाँ से बच के भागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और गाइस इधर हम लोग सिर्फ तीन बंदे हैं और भाई तीन बंदे मिलकर भाई इनका ना भाई मुकाबला करना बहुत मुश्किल है तो यहाँ से भी भागना ही चाहिए। और भाई साहब देख रहे हो कैसे हेलीकॉप्टर से भाई सीधा बिल्डिंग पर आ गए थे, हमें पता था कि चला कुछ तो भाई नीचे से दौड़ते दौड़ते आए। और भाई ये लो एक बंदा इधर और है ये ना पक्का डगन का ओके यहाँ पे टेररिस्ट मुझे नजर आ रहा है
यार इससे ना कुछ कर नहीं सकते भाई, ये बता रहा अपना हो सकता है पीछा करे, जहाँ से भी भागना चाहिए वरना भाई सब ये लोग लोकेशन निकालने के लिए ना भाई अपने पीछे ही पड़ सकते हैं। तो चलो भाई जब यहाँ से हम लोग फटाफट से काम करते हैं, सीधा मैं चलता हूँ भाई लॉस सैंटोस वापस, मतलब लॉस सैंटोस में हो मतलब बिग माफिया के घर पर, और गाइस मिलता हूँ मैं सीधा कल सुबह भाई, बहुत बुरा हुआ अपने साथ यार, एक तो हम लोग ना डकन बॉस को भी खत्म नहीं कर सके। तो ओके गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो अभी ना अगला दिन हो चुका है, और भाई अभी ना सुबह का 5-6 बज रहा होगा फिलहाल। गाइस अभी ना बिग माफिया से मैंने बात कर लिया, और गाइस लास्ट नाइट तो भाई बहुत खतरनाक फाइट हुई थी, बिग माफिया को ना काफी चोट लगा है, वो ना भाई सीधा बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर गया था, लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगा, बस थोड़ा ना पैर पे चोट लगा है। तो इस वक्त ना गाइस बिग माफिया बोल रहे ना कि अभी ना एलरू भी पकड़ा जा चुका है, और भाई सब इस वक्त ना पावरफुल तो बहुत ज्यादा हो चुका है डकन बॉस, मतलब अभी ना हम लोग कमजोर हो चुके हैं बहुत ज्यादा, एलरू भी अपने साथ नहीं है, इसके साथ साथ हम लोग ना कुछ भी नहीं कर सकते, डकन बॉस का मुकाबला करना तो भाई बहुत मुश्किल काम है। जिस वक्त ना गाइस अभी बिग माफिया बोल रहा है अभी ना कुछ यह प्लान बनाएगा डकन बॉस को खत्म करने का, या तो हमें एल रूबी को बचाना पड़ेगा वरना अगर यार हमारा बॉल मतलब जो हम लोगों ने प्लान बनाया था दोनों को लड़वाने का, अगर यार डकन बॉस को पता चल गया तो हो सकता है वो दोनों मिलकर हमें खत्म कर दे, तो फिलहाल क्या ही कर सकते हैं। तो चलो गाइस अभी ना मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ बेनी के पास, यार बेनी का मुझे कॉल आया था, भाई साहब क्या हो गया यार, गिर कैसे गया मैं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से उठ के ना दोबारा से अपने ड्रोन में मतलब अपना नहीं है भाई अंडर वाटर वहाँ पे गया। फिलहाल गाइस हम लोग ना फटाफट से चलते हैं बेनी से मिलने के लिए, वरना मेरे से भाई पैसा मांग रहा था, मतलब उससे ना एक गोल्ड कार का ऑर्डर आया है, और गाइस अगर वो गोल्ड कार अगर हम लोगों ने डिलीवर कर दिया, अगर हम लोग उस बंदे को दे देते हैं ना तो अपने पास पैसा बहुत आने वाला है। तो चलो अभी ना फटाफट से जाकर बेनी से मिलते हैं, और भाई साहब इस वक्त ना बिग माफिया ना प्लान बना रहे हैं कि हम लोग एल रूबी को कैसे उस मतलब डकन बॉस के हाथों बचाए, अगर उसे हम लोग बचा लिए ना तो भाई बहुत आसानी से हम लोग दोबारा से कुछ ना कुछ कर सकते हैं डकन बॉस को मारने के लिए। तो चलो गाइस यार जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो अभी ड्रोन बाइक को भगाते भगाते ना मैं सीधा पहुंच चुका हूं बेनी के इस वाले गैराज पर। फिलहाल यहां पे ना गाइस कार वगैरह मॉडिफाई करता ही है, और भाई इस वक्त ना यहां पे बाहर की तरफ एक लैम्बोर्गिनी एक फरारी खड़ी है, पता नहीं किसका हो सकता है, बेनी इधर ला करके खड़ा किया होगा। तो चलो यहाँ पे भाई गेट खोल दे, ओके 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 ओके, चलो गाइस अभी ना अंदर की तरफ चलते हैं, पता नहीं गाइस बेनी किधर है, इधर ना एक वेंटेज कार है, ओके साइंस ने इस वाली कार को ना गोल्ड बनाना पड़ेगा, पता नहीं यार क्या सीन है, अभी हम लोग जा करके ना बेनी से बात करते हैं। और गाइस इस वक्त ना देख सकते हो क्या ही प्यारा लग रहा है रेड कलर में ये वेंटेज कार। तो चलो अभी ना मैं आ चुका हूँ सीधा जा करके बेनी से बात करते हैं, आखिर क्या सीन हो रखा है, और ना कोई गोल्ड कार का ऑर्डर आया तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और पुराने वाले शोरूम पर लगता है ना लमार को खड़ा करके इधर मॉडिफाई करने के लिए आया होगा, उधर ना गाइस सारा सामान वगैरह खत्म भी हो चुका है। तो ओके गाइस अभी मैंने बेनी से बात कर लिया, फिलहाल तो गाइस बेनी बोल रहा है कि एक बहुत तगड़ी डील आई है, मतलब एक बहुत खतरनाक ऑर्डर आया है गोल्ड कार का, वो भी मस्टैंग जीटी, जो कि हमें प्योर गोल्ड में एक बंदे को देना है जो कि काफ़ी अमीर है, अगर हम लोग उस बंदे को देते हैं मतलब उस बंदे को अगर हम लोग मस्टैंग जीटी पूरी तरह से गोल्ड ला करके देते हैं, मतलब उस बंदे ने ऑर्डर दिया भाई मुझे गोल्ड कार चाहिए मस्टैंग जीटी, तो भाई उस बंदे को हमें देना है, और वो हमें पूरे 120 मिलियन डॉलर देगा। लेकिन गाइस इस वक्त ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब, ये मस्टैंग जीटी गोल्ड कार कहाँ से लाएंगे भाई, बहुत महंगी है। फिलहाल गाइस बेनी बोल रहे हैं मुझे 70-80 मिलियन डॉलर ला करके दो, मैं ना ये वाला डील पूरा करूंगा तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ओके गाइस मैंने बेनी से बोल दिया कि भाई मेरे पास ना 1000 डॉलर नहीं, मैं तुझे 80 मिलियन डॉलर कहाँ से ला करके दूंगा, और भाई साहब गोल्ड मस्टैंग जीटी खरीदने के लिए भाई इतने पैसे जुगाड़ करना बहुत मुश्किल है। तो गाइस अभी ना मेरे पास पैसे तो बिल्कुल नहीं है, लेटेस्ट में बात कर लिया उसके पास जो है पैसे वैसे बिल्कुल नहीं, वो बोल रहा है 10 मिलियन डॉलर तक दे सकता हूँ, लेकिन गाइस 10 मिलियन डॉलर में कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस वक्त ना गाइस बेनी बोल रहा है मुझसे कि तुम ना कहीं से भी ला कर दो, चोरी करो कुछ भी करो, लेकिन वो ना मतलब ये डील ना हाथ से नहीं जाने देने, मतलब गाइस इस वाले डील में ना बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो बंदा हमें 120 मिलियन डॉलर देगा, और गाइस मतलब अगर हम लोग खरीद के देते ना उसे तो भाई पूरे ना मतलब 30-40 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट होता, लेकिन ये बोल रहा है चोरी करके लाओ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा अपना, लेकिन भाई साहब ये ना मुझे सही नहीं लग रहा है। और गाजर ये बोल रहा है ना कि एक बहुत अमीर बंदा है जिसके पास मस्टैंग जीटी गोल्ड कार, उसके पास ना और भी काफ़ी सारी कार्स है, तो उसके पास ना तुम्हें चोरी करके लाना है बहुत आसान काम है, मतलब भाई साहब चोरी करना गोल्ड कार चोरी करना आसान काम इससे लग रहा है, भाई क्या ही बंदा है। वैसे गाजर ये बोल रहा है कि वो ना एक पुलिस कार लेकर के आ सकते हो, उसमें जो GPS है ना वो सब कुछ मैं हटा दूंगा। तो चलो गाजर अभी ना मुझे वहाँ पर जा करके ना देख लेना चाहिए, वैसे मुझे बेनी ने सब कुछ समझा दिया है कि वहाँ पर ना तुम्हें कोई खतरा नहीं है, मेन जो तुम्हें खतरा होगा वो कार चोरी करने के बाद होगा, क्योंकि गाइस वो जो ऑफिसर है ना भाई अपने घर में ना ज्यादा बॉडी गार्ड्स नहीं रखता है, मतलब वो अभी बाहर की तरफ भी गया होगा। तो गाइस इस वक्त ना मुझे सही समय है, वहां पर बेनी जाकर ना उस वाली कार को चोरी करके लाने के लिए बोल रहा है, उसे ना तुरंत GPS हटाएगा और भाई साहब उस कार को मॉडिफाई करके ना उस बंदे को देगा, पूरे 120 मिलियन डॉलर लेगा उस बंदे से,
भाई साहब प्लान तो काफी सही है, लेकिन जो भी खतरा है भाई मेरे ऊपर, भाई क्या ही कर सकता हूँ इस वक्त ना, करके मुझे उस बंदे के घर में जा करके देखना चाहिए। आखिर भाई उसके पास गोल्ड मस्टैंग जितने भाई कभी देखा तो नहीं था, वैसे जाकर देख भाई तेरी ऐसी की तैसी। यार मन तो कर उस बंदे को ना उतर के ना दो चार हाथ बजाई, तो वैसे गलती तो अपनी भाई रेड लाइट था और मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। खैर छोड़ो, तो एक काम करता हूँ ना, पहले की दिए गए लोकेशन पर चलता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, मैं इस वाले ड्रोन बाइक को भगाते भगाते तो उस बंदे के मैंसन, मतलब उसका एक बहुत तगड़ा सा इधर घर है, तो वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। फिलहाल का जरा मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके साथ ना ये वाला घर है भाई बहुत तगड़ी और बहुत महंगी लग रही है। फिलहाल का जरा इसका ना भाई घर तो काफ़ी बड़ा है, एक काम कर दो ना गाजर, सीधा ना आगे की तरफ जा करके सबसे पहले ड्रोन बाइक को छिपा देता हूँ, ताकि ना भाई, यार भाई सॉरी यार भाई गलती हो गई यार, जाने दे यार एक सेकंड भाई, ये ट्रक ड्राइवर ना कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो रहा है भाई। यार मैंने सॉरी तो बोला भाई, क्यों मार रहे हो? ओके आ जा भाई, आगे तेरे को बताता हूँ मैं कौन हूँ। अबे तेरी भैंस की, ये कौन है भाई? भाई आके ना भाई, पता नहीं आज क्यों टक, एक सेकंड भाई दोबार से, यार मेरे पास ना आरपीजी ना भाई, बजा ये ले भाई, तू ही बचा था अब तू भी आ पे भाई, एक सेकंड भाई बहुत हो गया तेरा, टक ले तेरी ऐसी की तैसी भाई, तो तीन चार बार मैं गाड़ी आके ठोक दिया मेरे को, तू भाई कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से भाई, रुक रुक कहाँ भाग रहा है? अबे रुक 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 तू भी लेकर जा, अबे रुक जा एक हाथ तो खा ले भाई साहब, क्या ही भाग है भाई वो बंदा, मतलब यार फ्री फोकट में आराम से ट्रक पे बैठ करके देख रहे हैं हम दोनों की लड़ाई, भाई क्या ही बंदा था। चलो कोई बात नहीं भाई, एक बच गया एक मारा गया। फिलहाल का चलिए काम करता हूँ ना, यहाँ पे अपने बाइक को खड़ा करता हूँ और भाई भागते भागते ना सबसे पहले मैं मास्क लगा देता हूँ भाई, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि गाइस इस वक्त हम लोग एक बहुत बड़े ऑफिसर के घर पर चोरी करने आए, और भाई साहब इसके घर से कार चोरी करके पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ भाई, ये चीज़ ये काम हमें नहीं करना चाहिए था, कोई अगर ऐरा गिर रहा होता तो भाई आराम से ना ये काम कर सकते थे, लेकिन भाई ये बंदा ना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। खैर देखते जा करके, अब आगे तो भाई गाड़ी लेकर के जाएंगे। तो ओके गाइस, मैंने मास्क वगैरह सब कुछ लगा रखा है, तो भाई दिक्कत की बात है कि एक सेकंड मैंने पहले अंदर जाकर देखता हूँ, सीसीटीवी कैमरा में अपना तो भाई कोई भी फेस वगैरह नहीं आ सकता। ओके ओके ओके, सांस ना ये ना उस बंदे का बेटा है जिसका वो मस्टैंग जीटी है भाई। यार जा रहा हूँ भाई, ऐसे धमकी वमकी मत दे भाई, गालियाँ मत दे यार भाई इस बंदे, भाई एक सेकंड यार मैंने कुछ किया भी नहीं, ये बंदा कुछ ज़्यादा तेरी ऐसी की तैसी, अभी नगर सबको ना टपकाना पड़ेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई साहब इसको मारने नहीं था भाई, भाई साहब उस बंदे को ना भाई बेटे को मैंने टपका दिया, पता नहीं ऑफिसर कौन था भाई, पता नहीं भी नहीं मेरे को। खैर अभी ना काम कर, तो यहाँ भी छुपता हूँ भाई, और गाजर एक सेकंड पहले ना भाई इसके ना सारे बॉडी गार्ड को खत्म करता हूँ भाई, पता नहीं इसके पास वो कार अभी है भी नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया, और लड़ाई लग चुकी है, तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। भाई साहब ये ना भाई बहुत खतरनाक लोग है। फिलहाल का जरिए आर्मर तो काफ़ी ओपी पहन रखा है मैंने भाई, यार पता नहीं टी शर्ट वगैरह क्या, मतलब कपड़ा तो भाई पहना नहीं है भाई, आर्मर कहाँ से लगाऊंगा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम कर दो ना सबके ना भाई बैंड बजाता हूँ पहले तो, और मुझे ना भाई गाड़ी भाई एक सेकंड निकल यहाँ से पहले फुर्सत में। ओके गया एक सेकंड, ये बंदा उधर क्या कर रहा है तेरी ऐसी की तैसी? वैसे गाजर पहन ही बोला तो भाई ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड है, दो तीन बंदे हो गए भाई, टपका के ले आ जा भाई, पहने ने मेरे को फंसा दिया भाई, बहुत सारे बंदे इधर तो है। एक सेकंड की राय बंदा तेरी ऐसी की तैसे निकल ले यहाँ से, बाकी गाजर मुझे ना यहाँ से निकलना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा बंदे हैं। एक सेकंड यार यहाँ पे आया हो तो भाई गाड़ी लेकर के जाऊँगा, एक काम करते ना फटाफट से ना गाड़ी ढूंढाओ और सीधा बैठ कर ना यहाँ से निकल लेता हूँ, वैसे ग्राज के अंदर होगा भाई बहुत दिक्कत, तेरी ऐसी की तैसी भाई निकल ले भाई, कहाँ कहाँ से टपक जाते ये लोग समझ नहीं आता। वैसे दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे काफ़ी दूर आ चुका हूँ भाई, समझे लोग मेरे को इधर उधर ढूंढ रहे होंगे। ओके मैं यहाँ ओके यहाँ पे और भी बंदे हैं। एक सेकंड यार मैंने मुझे गाड़ी ना बहुत सारा दिख चुका है भाई, मारो मत यार प्लीज़ यार, ऐसे तो मत मारो तेरी भैंस की टांग, ये बंदा छुप छुप कर कहाँ जा रहा है? ओके ये तो गया। तो ओके गाइस अभी मुझे ना मस्टैंग जीटी दिख चुका है गोल्ड वाला, फिलहाल गाइस मुझे ना सबसे पहले यहाँ पे बंदों को टपकाना पड़ेगा तेरी ऐसी की भाई, रीलोड कर ले भाई माइकल, क्या ही पागल बंदा है। ओके ये गया, फिलहाल यहाँ पे एक और बंदा है तेरी ऐसी की तैसी भाई, क्या ही चूड़ा सिक्योरिटी गार्ड है। फिलहाल गाइस ये लोग ना कुछ ज़्यादा ही मतलब खतरनाक भी है, आर्मर तो लगा रखा है लेकिन हेलमेट नहीं लगा रखा भाई, हेडशॉट भाई भाई ये नशा करके आया भाई, किधर मार रहा था भाई। ओके गाइस अभी ना मैं सबको मार दिया भाई, जल्दी से चलते हैं भाई, एक सेकंड यहाँ पे कोई तो छुपा है। ओके एक सेकंड, इधर एक बंदा छुपा हुआ है भाई, से लगता है मैं जब कोई देखा है, लेकिन भाई मैंने धप्पा कर दिया। चलो गाइस ये तो गया, फिलहाल एक सेकंड भाई मस्टैंग जीटी देखे जहाँ पे लैम्बोर्गिनी लेके भागना तुम्हारी ऐसी की तैसे, रुको भाई सब गोल्ड कार लेकर के कहाँ भाग रहा है? मुझे लगता है ना गाइस ये ना अपने बॉस के पास जा रहा है, जो कि इसका मतलब इस घर का मालिक उसके पास जा रहा होगा भाई फटाफट उसको बताने के लिए। खैर कॉल नहीं किया। ओके भाई कहाँ जा रहा भाई, क्या ही चुरन बंदा है भाई, उल्टा भाई इधर ही आ रहा है तेरी ऐसी की तैसे, रुको मैंने कहा चल जल्दी से मुझे इस बंदे को रोकना पड़ेगा, वरना भाई साहब ये मस्टैंग जीटी को लेकर पता नहीं कहाँ जा रहा है, और भाई स्पीड तो देखो कैसा चला रहा है। ओके गाइस अभी ना मेरे पास लैम्बोर्गिनी डेयर जो है इसका भी स्पीड काफ़ी तगड़ी है, फिलहाल गाइस मुझे ना वो वाला महंगी कार चाहिए जो कि गोल्ड की है। रुको भाई तेरी ऐसी की तैसे, रुक जा भाई, क्या ही बंदा है,
रुकना रुकना रुकना, क्यों क्योंकि आराम से चलो गाइस। रवि ने इस बंदे को मैंने दो चार बार ठोक दिया। फिलहाल भाई अगर तुम यहाँ से आगे बढ़ाना भाई, गोली खाएगा हेडशॉट पट से। कट भाई तेरी तो टक्कर मार दिया अपने को। रुको रुको, अभी ने गाइस इस बंदे को ना बहुत बुरी मौत मारूंगा। पहले तो बेटा तू निकल बाहर, गाड़ी छोड़ और बाहर निकल। भाई साहब फालतू में इस चीज़ से फोड़ दिया। तो चलो ये तो गया, अभी उठ के भाग, जल्दी भाग, निकल यहाँ से पहले फुर्स में गया बेटा। तो चलो गाइस अभी ने काम कर दो ना, जल्दी से मैं टैंक जितनी पकड़ दो यहाँ से निकलता हूँ। भाई कितनी प्यारी लैम्बोर्गिनी थी भाई, लेकिन ये बहुत महंगी है। चलो गाइस यहाँ से निकलता हूँ फटाफट से, इसलिए महंगी मस्टैंग जीटी गोल्ड कार को लेकर के। भाई देख लो क्या ही चमक रही है। तो चलो गाइस यहाँ पे भाई पुलिस वाले अपने पीछे कब से पड़े, क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम कर दो गाइस, कोई ना पतली वतली गली लेकर के यहाँ से निकलता हूँ। भाई बहुत तगड़ी तरीके से ये लोग ना अपने पे भाई पीछा कर रहे हैं। खैर अभी ना मुझे बिकना तो भी बोला है, और वो ना भाई वो ना बहुत सारे फोर्स का जुगाड़ कर रहा है। उसके बाद ना वो सीधे एल रूबियो को बच जाएगा, ऐसा बोल रहा है। भाई क्या ही करना चाहता भाई बंदा, मतलब एल रूबियो उसका कुछ नहीं उखाड़ सका। भाई वो बिग में आ गया, एल रूबियो को बचाएगा भाई अपने बॉडी गार्ड के साथ। क्या ही चुरन बंदा है। खैर छोड़ो अभी ना बचना पड़ेगा मेरे को डगर बोस से, पहले मैं पुलिस वालों से तो बच लूँ। चलो 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 यहाँ से निकलते हैं। मिला भाई क्या ही कर सकता हूँ। एक काम भाई, कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मेरे को घर जाना पड़ेगा। भाई घर तो अभी मैं नहीं जा सकता। एक काम कर दो ना, जल्दी जल्दी जा करके एक गाड़ी का जुगाड़ करता हूँ, किसी से चोरी करता हूँ। भाई अपना तो यही काम है भाई, चोरी करना। क्या ही कर सकते हैं भाई अपने पास, भाई इतना गरीब होते जा रहे हैं भाई दिन ब दिन। तो चलो गाइस जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो अभी ना इधर एक कार है। एक काम करता हूँ ना भाई, इसका ना शीशा फोड़ता हूँ। ओके ओके, चलो यहाँ से ना फटाफट से चलते हैं। भाई यार जिसकी भी गाड़ी हो ना भाई माफ़ कर देना, मुझे गाड़ी की जरूरत है। और भाई गोली कौन चला रहा है भाई, मत मारो यार, गरीब हूँ भाई, बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मत मारो मेरे को। ओके ओके एक सेकंड यार, भाई ये बंदे ना भाई मार नहीं रहे। एक सेकंड, इनको ना भाई सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी ऐसी कि तैसी भाई साहब, निकल यहाँ से। एक तो गया भाई, नहीं का कार होगा लगता है। एक सेकंड, पहले तो बेटा तू भी निकल यहाँ से। भाई साहब बच गया, तेरी ऐसी की तैसी, एक ना पट से खाए। चलो गाइस ये तो गया। फिलहाल गाइस जल्दी से ना गाड़ी बैठते हैं, रात भी होने वाला है बहुत जल्दी, हमें से ना जा करके बिग माफिया से मिलना पड़ेगा। तो काम करते हो ना, जल्दी जल्दी से इस वाले गाड़ी को भगाता हूँ, और भगाते भगाते ना मैं सीधा चलता हूँ बिग माफिया से मिलने के लिए। बाकी गाइस जो भी हो, काफ़ी कबाड़ा गाड़ी है, लेकिन काफ़ी सही है वहाँ तक जाने के लिए। क्योंकि गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, मैं इस वाली गाड़ी को भगाते भगाते ना सीधा आ चुका हूँ बिग माफिया के मेंशन के पास। लाल गाइस यहाँ पे रोड पे भी सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है भाई, इतना ज़्यादा खौफ रखा भाई डगर बॉस का। खैर होना भी चाहिए भाई, बहुत खतरनाक बहुत पावरफुल बंदा है, इस वक्त पता नहीं क्या सीन है। और भाई इसके यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड, भाई क्या सीन चल रहा है। ओके ओके, यहाँ पे मैं गाड़ी को खड़ा करता हूँ। वो तेरी ऐसी की तैसी, इतने सारे टैंक, इतने सारे हेलीकॉप्टर, भाई लगता है ना इसने कुछ खतरनाक प्लान बना रखा। और भाई साहब यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक भी खड़ा है, बहुत सारे टैंक है, और भाई बहुत सारा बॉडी गार्ड बुलावा रखा है। तो एक सेकंड मैंने जा करके सबसे पहले ना बिग मैम से बात करता हूँ, लेकिन एक सेकंड पहले ना गाइस देखो, इतने सारे हेलीकॉप्टर यहाँ सारे ना फाइट करने के लिए, मतलब इसने कुछ खतरनाक सोच रखा है। इसने एक बारी बात करके देख लो भाई क्या सीन है। ओके गाइस मेरा बिग मैम को बोला ना कि ये ना सीधा आप एल रिव्यू को बचाएगा, इससे पहले कि वो जो ना एक होकर हमसे पंगा ले, हमसे हमको हमसे बदला ले। अभी ना बिग मैम को बोल रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तुम देख के जाओ सुबह, मतलब ना कुछ एक दो घंटे के अंदर ना बहुत सारे गार्ड्स आएंगे, बहुत सारे टैंक, हर जगह बॉडी गार्ड्स है, बहुत सारे तगड़ी तगड़ी हेलीकॉप्टर है, जिसमें ना तगड़ी वाली वेपन लगी हुई है, आरपीजी लगी हुई है। भाई मुझे लगता है इस वक्त ना हम लोग एल रवि को भी बचा लेंगे, और डगर बोस को भी पकड़ लेंगे। भाई ऐसा पहले नहीं बोला भाई, आप लोगों ने देख लिया भाई ऐसा एल रवि भाई चौड़ा हो रहा, तो भाई एक ही सेकंड में हम लोग उसे पकड़ लेंगे, लेकिन भाई खुद तो किडनैप हो चुका है। खैर क्या ही कर सकते हैं इस वक्त, गाइस हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।